स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गो का यूज। गो का यूज हम कई तरीकों से कर सकते हैं। गो का यूज हम अलग अलग प्रीपोजिशन के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे गो टू, गो टू आ, गो ऑन, गो टू द, गो फॉर। ये सब का यूज हम कहाँ पे करते हैं, इससे लोगों का माइंड जो होता है वो क्या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है कि गो टू का यूज कहाँ पे करना है, गो टू द का यूज कहाँ पे करना है एंड गो ऑन का यूज कहाँ पे करना है, इससे जो होता है वो माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो चलिए आज हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपकी जो सारी कंफ्यूजन है वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो वैसे तो गो के बहुत सारे फ्रेजेस बनते हैं, लेकिन आज हम फ्रेजेस ना पढ़ के इसको हम अलग अलग किस पोजीशन, किस प्रीपोजिशन में हम इसको बनाएंगे, कैसे, चलिए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, गो, गो मतलब तो आप सभी को पता है, जाना होता है। जैसे कहते हैं ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, यू आर गोइंग। गो का हिंदी मतलब होता है जाना, ये आप सबको पता है। गो का मतलब होता है जाना। ठीक, अब कहते हैं कि मैं गया, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो इसको तो आप लोग याद कर लीजिए, ये लाइफ टाइम काम आएगा कि इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इसको आप लोग याद कर लीजिए, गो, वेंट, गॉन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबको पता है गो का हिंदी मतलब होता है जाना, लेकिन हम इन सब सारी चीजों का यूज कैसे अलग अलग करेंगे ये हम विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो सबसे पहले आपका लिखा है गो टू। गो टू का यूज हम कहां पे करेंगे, जैसे कोई प्लेस हो गया, गो टू का यूज हम करेंगे किसी प्लेस के लिए, किसी जगह के लिए। जैसे मान लीजिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक, किसी जगह के लिए, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एक प्लेस के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे गो टू का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे मैंने कहा मैं ऑफिस जा रही हूं, मैं ऑफिस जा रही हूं। तो अब यहां पे देखिए, ऑफिस एक प्लेस है, एक जगह है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई एम गोइंग टू ऑफिस। यहाँ पे देखिए हमने यूज करा है गो टू का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेस है ऑफिस। डन, अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है गो टू आ। गो टू आ का यूज हम करेंगे ज्वाइन, ठीक, किसी चीज में भाग लेना, किसी चीज को हम ज्वाइन करना। जैसे मान लीजिए किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की पार्टी है, किसी की शादी है, ठीक है, कुछ भी है, इस टाइप से हम किसी चीज में भाग लेते हैं, उस चीज को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं। जैसे कैसे, हम भाई जाएंगे तो वहां पे एक घंटे के लिए जाएंगे, किसी पार्टी में हम दो घंटे के लिए जाएंगे, ठीक है, या फिर किसी मैरिज में हम ज्यादा से ज्यादा वन डे के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम के लिए जब हम कहीं पे जाते हैं तो हम यूज करते हैं गो टू आ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मैं पार्टी मैं जा रही हूं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई एम गोइंग टू आ पार्टी। ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए है, हम किसी चीज को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे हम कहेंगे आई एम गोइंग टू अ पार्टी। अब नेक्स्ट जो है वो है गो ऑन का यूज। गो ऑन का यूज होता है अटेंड, किसी चीज को अटेंड करना, जैसे कि किसी लॉन्ग टर्म के लिए हमें जाना है, इसमें लिखा है शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन इसको अटेंड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कोई वेकेशन हुई, ठीक है, कोई हॉलीडेज हुई, कोई छुट्टियां हुई, या फिर हम कहीं ट्रिप पे घूमने जा रहे हैं, या फिर हम कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे गो ऑन का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं घूमने के लिए मनाली जा रहा हूँ, मैं, हाँ ये एग्जाम्पल सही है, मैं बताती हूँ कि मैं घूमने के लिए कश्मीर जा रहा हूँ, तो हम कैसे लिखेंगे, मैं कश्मीर घूमने जा रही हूँ। इसको हम कैसे बनाएंगे, आई एम गोइंग ऑन
कश्मीर, ट्रिप, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे। जब जहां हम जाएंगे तो 1 वीक्स हो गया, 2 वीक्स हो गया, 5 डेज हो गया, 4 डेज हो गया, कुछ दिनों के लिए हम रुकेंगे, अटेंड करेंगे हम उस चीज को, तो वहां पे हम यूज करेंगे गो ऑन का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गो टू द। गो टू द का यूज हम करते हैं स्पेसिफिक प्लेस में, स्पेसिफिक प्लेस यानी कि कोई बड़ी जगह, कोई बड़ी जगह के अंदर छोटी चीजों का होना। जैसे मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, उस सिटी में कोई पार्क है, उस सिटी में कोई घूमने की कोई प्लेस है, आप मॉल जाते हैं, मॉल के अंदर, जैसे आप घर में रहते हैं, घर के अंदर क्या रहता है, किचन रहता है, आपका एक अपना रूम होता है, स्टोर रूम होता है, तो उस घर के अंदर है ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल मॉल है, मॉल के अंदर जो है बाल कटवाना होता है तो सलून्स होते हैं, मेकअप कराना होता है तो वहां पे पार्लर अलग होते हैं, तो उस मॉल के अंदर जो छोटी छोटी चीजें होती हैं स्पेसिफिक, उनको हम वहां पे यूज करेंगे गो टू द का। जैसे मान लीजिए हमको कहना है मैं पार्क जा रही हूं, तो इसको हम बनाएंगे आई एम गोइंग टू द पार्क। पार्क क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक जगह है। तो हम यहां पे यूज करेंगे गो टू का। फिर नेक्स्ट आता है गो फॉर। गो फॉर का यूज हम करेंगे वर्क के लिए, कोई काम के लिए, काम जैसे कि खाना, सोना, उठना, बैठना, जाना, ये सारी चीजें क्या है, एक काम है। तो जब इस तरह का हम कोई काम करेंगे तो वहां पे हम यूज करते हैं गो फॉर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तैरने जा रही हूं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग, यानी कि मैं तैरने के लिए जा रही हूं। तो इस टाइप से हम क्या लिखेंगे, गो फॉर। यहां पे हमने यूज कर दिया गो फॉर का। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये क्लियर होगा होगा सारे डाउट, जिसको डाउट्स रहते थे गो फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे, गो टू का यूज कहाँ करेंगे, गो टू द का यूज कहाँ पे करेंगे। तो चलिए हम जल्दी जल्दी अब रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमको गो का मतलब पता होना चाहिए, जाना। इसकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म गो विद गॉन होती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। फिर फर्स्ट है आपका गो टू। गो टू का यूज हम किसी प्लेस यानी जगह के लिए करते हैं, यानी कि मैं ऑफिस जा रही हूं तो हम क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट है गो टू आ। गो टू आ जब हम कोई चीज ज्वाइन करते हैं, कोई चीज में हिस्सा लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वहां पे हम यूज करते हैं गो टू आ का। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्टी में जा रही हूँ, या फिर मैं शादी में जा रही हूँ, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स मिलने जा रही हूँ, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, तो आई एम गोइंग टू अ पार्टी। फिर नेक्स्ट हो गया गो ऑन। गो ऑन का यूज हम लोग जब कोई चीज अटेंड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैं कश्मीर घूमने जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग ऑन कश्मीर ट्रिप, तो यहाँ पे हमने यूज करा गो ऑन का। फिर यहाँ पे लिखा है गो टू द। गो टू द का यूज हम करते हैं किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए, कोई बड़ी चीज के अंदर छोटी चीज का होना, कोई एक प्लेस स्पेसिफिक जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं गो टू द का। जैसे मैं पार्क जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द पार्क। मैं सिनेमा जा रही हूँ, मैं मूवी देखने जा रही हूँ, तो वहां पे हम किस चीज का यूज करेंगे, गो टू द का। किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम गो टू द का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है गो फॉर। गो फॉर का यूज हम किसी काम के लिए करते हैं, जब कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं तैरने जा रही हूँ, कोई एक्शन करते हैं, तो इसके लिए हम आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जिन बच्चों को डाउट्स रहते थे कि ये सब यूज हम कहाँ पे करेंगे, इन सारी प्रीपोजिशंस का यूज हम कहाँ पे करेंगे, उम्मीद है आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।